फिरोजाबाद में निकाय चुनाव से लगभग 10 घंटे पहले चुनावी खूनी रंजिश सामने आई, जिसमें सपा प्रत्याशी के बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे ने मारी गोली। इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 45 नगर विष्णु में चुनावी खूनी रंजिश में निर्दलीय प्रत्याशी कपूरी देवी के पुत्र पवन यादव व अन्य साथियों ने जान से मारने की नीयत से गोली मारी, लेकिन सपा प्रत्याशी श्रीमती बॉबी यादव के पुत्र गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ले आए, जहां पर उसका उपचार के बाद भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमरीश राजपूत की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। राकेश जी, आपके यहाँ से कौन पार्षदी पर लड़ रहा था और कौन से वार्ड से लड़ रहा था? नगला विष्णु वार्ड नंबर 45 पत्नी लड़ रही है बॉबी यादव। तो घटना आज हुई क्या? इसको हमने पिछली बार भी इन्होंने 40 लाख रुपए खर्च किया था, तब भी नहीं दिखा पाए। अब इन्होंने धनबल पर्चियों में पैसा रख रख कर दारू पिला पिला कर गुंडे बुला कर। किन लोगों ने इनको इनके ऊपर आक्रमण किया है, जो गोली मारी है? पवन यादव और उनके साथी जंगलिया और पन्ना और रमेश और एक और जंगलिया का भाई पन्ना का पवन का भाई और अन्य लोग भी हैं। लेकिन अब जानकारी क्या, इसे आप चुनावी रंजिश मानते हैं? चुनावी रंजिश में तो गोली दी है, धमका रही है कई दिनों से, तमाम लोग उनके बाहर से आ रहे हैं। तो जो प्रत्याशी है वो विपक्षी प्रत्याशी कौन है? विपक्षी प्रत्याशी हमें है उनके। नहीं, जिन्होंने गोली मारी, गोली मारी वो कपूरला मोहल्ला रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कपूरी देवी और उनके पुत्र का नाम है पवन यादव। तो गोली किसने मारी है? गोली जी सब लोग 4-5 थे, इसे ले गए जो पर्ची बांटने गया, उसके बाद में जब सूचना मिली है कि गोली मार दी, आपका बच्चा पड़ा हुआ है, तो सारे लोग ले। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग मुकदमा लिखा जाए